नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, 223 रन बनाकर भी 4 विकेट से हारी पंजाब, केएल राहुल की ये गलती बनी वजह। किंग इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल के बीच आईपीएल 2020 का नौवां लीग मुकाबला सरजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को अपने शानदार प्रदर्शन के चलते राजस्थान रॉयल की टीम ने 4 विकेट के अंतर से जीत लिया और इस मैच को जीतने के साथ ही पॉइंट टेबल में 2 अंक भी अपने नाम कर लिया। इस मैच का टॉस राजस्थान रॉयल की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे किंग इलेवन पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 183 रन की एक शानदार साझेदारी की। इन दोनों बल्लेबाज ने शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए। अंत में निकोलस पुरन और ग्लेन मैक्सवेल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और किंग इलेवन पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन का एक बड़ा और विशाल स्कोर बनाने में कामयाब हो गई। किंग इलेवन पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 50 गेंदों में 106 रन की पारी मयंक अग्रवाल ने खेली। वहीं टीम के कप्तान केएल राहुल ने 54 गेंदों में 69 रन की पारी खेली। राजस्थान रॉयल के लिए अंकित राजपूत और टॉम कुरेन को एक एक विकेट हासिल हुआ। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल की शुरुआत खराब रही। ओपनर बल्लेबाज जॉस बटलर 4 रन मात्र टीम के लिए 19 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे विकेट के लिए संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने 81 रन की एक बेहतरीन साझेदारी की। स्टीव के आउट हो जाने के बाद संजू सैमसन अच्छे शॉट्स लगाते रहे। राहुल तेवतिया ने भी अंत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ और राहुल तेवतिया की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल की टीम ने 224 रन के इस बड़े लक्ष्य को 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल के लिए सबसे ज्यादा 42 गेंदों में 85 रन की पारी संजू सैमसन ने खेली। वहीं टीम के लिए 31 गेंदों पर 3 रन की पारी राहुल तेवतिया ने खेली। कप्तान केएल राहुल के